और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टेविद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और बातें कुछ नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज मैं करने वाली हूं इंस्टेंट ग्लो फेशियल, जो कि घर की चीज़ों से होने वाला है और यकीन करें इतना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होगा कि आप मेरी अभी की पिक्चर जो है उसको एसएस ले लीजिए। इसके बाद मैं नेचुरल लाइट में आज बनाऊँगी वीडियो, ठीक है। कोई भी मेरी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, सनलाइट मुझे पड़ रही है, तो मैं आज यहाँ बनाऊँगी वीडियो। मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो, ठीक है। मैं अभी आके दिखा दूँ आपको, तो आप यहाँ भी जो है पिक्चर मेरी ले सकते हो, स्किन आप देख सकते हो अभी, ठीक है। और फेशियल के बाद आप मेरी जो है देखना, फेस की स्किन एकदम ब्राइटन अप, एकदम ग्लोई, एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। आप मेरा एसएस ले लो अभी, चाहो तो यहाँ ले लो, मैं नेचुरल लाइट में जाती हूँ वहाँ ले लो। उसके बाद आफ्टर फेशियल पिक्चर लेना, दोनों को आप कंपैरिजन करना, बिफ़ोर एंड आफ्टर जो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मेरी स्किन, इस वक्त ये हाल है अभी स्किन का। ये जो फेशियल है टोटल ये 4 बेसिक चीज़ों पर मुश्तमिल है, जैसे कि होता है हमारा क्लिंजर, मसाजर, स्क्रबर, देन फेस पैक। तो उसी तरह से ये टोटल चीज़ें घर में बनेंगी। मेन इन्ग्रीडियंट जो है इसका वो है हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। हल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन की वो दूर करती है, सबसे बेहतरीन होती है पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपको पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हम मेन इन्ग्रीडियंट हमारा हल्दी होगा, बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी एप्लीकेशन पर दिखाती जाऊँगी। चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, फेशियल स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इस तरह से बैठ गई हूँ कि नेचुरल लाइट मेरे फेस पर पड़ती रहे, ठीक है। आप चाहो तो एसएस ले लो, लटे शटे अंदर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हर फेशियल का होता है वो होता है क्लिंजर। तो यहाँ जो है मैं क्लिंजर आपको दिखा दूँ, ये है मेरा क्लिंजर, ठीक। अब इसको बनाया किस तरह से है ये देखिए, ये देखिए, ये क्लिंजर है, ठीक है। अब इसको बनाया किस तरह से, तो चले पहले वो देख लेते हैं। यहाँ क्लिंजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। दूध क्या करता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके फेस को बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन करता है, आपके पोर्स को, आपके एक्नी की वजह से जो बैक्टीरिया फेस पर हो जाते हैं उन्हें रिमूव करता है और बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है। सेकंड है हमारा हनी। हनी क्या करते हैं, हनी डीपली मॉइस्चराइज करता है, पोर्स को क्लीन करता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है, स्कार्स को लाइटन करता है, सनबर्न के लिए यूज़फुल होता है, एक्नी और पिंपल से फाइट करता है। उसके अलावा नेचुरल ग्लो भी देता है और एज जो होता है ना, एजिंग के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा है हल्दी, और मैं यहाँ पे घर की हल्दी ही यूज़ कर रही हूँ, वरना आप लोग परेशान होते हो कौन सी हल्दी, घर की हल्दी यूज़ कर रही हूँ। ये क्या करती है, ये भी आपको ग्लो करती है, आपकी स्किन को लस्टर प्रोवाइड करती है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। ये जो है किसी भी किस्म का बैक्टीरिया है, एक्जिमा है, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है, और ग्लो तो इससे आफत वाला ग्लो आता है, इतना बेहतरीन ग्लो आता है, ब्राइटन अप करती है आपकी स्किन को, बहुत ही बेहतरीन होती है जो हल्दी होती है आपकी स्किन के लिए। तो देखा आपने क्लिंजर को किस तरह से बनाया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे फेस पे, हल्का सा फेस को वेट कर लेते हैं, हल्का सा वेट करने के बाद इसको लिया हाथ पे इस तरीके से, ठीक, और ये और ले लें थोड़ा सा, सही है, फेस पर अच्छे से क्लिंजिंग करनी जिस तरह से हम करते हैं। हर चीज़ को आप 2-2 मिनट भी अगर करते हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, और अगर टाइम है आपके पास तो जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी स्टेप्स हैं, उनको आप 5-5 मिनट्स अगर देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 2 मिनट्स तो आप हर चीज़ को दोगे, ठीक है। अभी क्लिंजर हमें 2 मिनट्स तक करना है अपने फेस पर। नेक को नहीं भूलना है, नेक को भी करना है, शर्ट कोई ऐसी पहन लेना आप, ताकि क्योंकि हल्दी का जो स्टेन होता है ना वो जाता नहीं है, कोई रफ शर्ट पहन लेना।
और मसाज करना, बस मसाज क्या होता है वही होता है पूरे फेस पर बस हाथ घुमाते जाओ, चीक्स पर, नोज पर, चिन पर, अपर लिप्स पर, फोरहेड पर, नेक पर, नेक को मत भूलना क्योंकि एजिंग साइन सबसे पहले नेक पर ही आते हैं। मैं इसको 2 मिनट्स तक करती हूँ फिर मिलती हूँ। 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए, मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो आप फेस देख सकते हो मेरा, मैंने सिर्फ क्लिंजिंग की है अभी और आप फेस देख सकते हो कितना एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो लोग मुझसे कह रहे थे आपकी इतनी डल है स्किन, इतनी डल हो रही है, थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि आज मैं नेचुरल लाइट में बना रही हूँ, तो मैं लॉन्च में आ गई हूँ तो यहाँ से शोर ज़्यादा आएगा, ट्रैफिक का प्लीज़ उसको इग्नोर करना है। तो जो लोग मुझसे कह रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा स्किन डल हो गई है, बजट इतना नहीं है कि हम महंगे महंगे सीरम्स यूज़ कर सकें और महंगे महंगे हम एसिड्स यूज़ कर सकें, तो प्लीज़ हमें कुछ ऐसा बता दीजिए। तो ये बेस्ट फेशियल है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये टोटल घर की चीज़ें हैं सारी। और ये मज़े की बात है कि आप हफ्ते में इसको 2 बार भी कर सकते हैं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि हफ्ते में 1 बार करें और जिनको पिगमेंटेशन है वो तो लाजमी करें, लाजमी। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, इंस्टेंट मिलेंगे और परमानेंट मिलेंगे। अगर आप इसको रखते हो अपने रूटीन में तो इसके जो रिजल्ट है वो परमानेंट हो जाएंगे। क्लिंजिंग हमने कर ली, अब हम आ जाते हैं मसाज पर, मसाज क्रीम पर। तो ये है मेरी मसाज क्रीम, देख सकते हो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन ये एक क्रीम की तरह ही है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाना है मैं दिखाती हूँ आपको हाथ में लेके इसे। ये देखिए, ये एक क्रीम की तरह से ही है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। ये देखिए इसको किस तरह से बनाना है, चल चल कर पहले वो देख लेते हैं। चलिए जी, तो अब सीख लेते हैं मसाज क्रीम बनाना। मसाज क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट होता है। ये जो है स्किन पर अगर यूवी डैमेजेस हो जाते हैं तो उनको ये ठीक करता है, रिड्यूस करता है, एजिंग साइंस को ये ख़त्म करता है और स्किन को लाइटनिंग करता है और स्किन के टेक्सचर को बहुत इम्प्रूव करता है। तो ये चावल का आटा होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए भी बेस्ट होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है मैंने इसे मिलाया हनी, हनी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ करता है, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को मिनिमाइज़ करता है, रेडनेस को काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर और बहुत ही बेहतरीन होता है और ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा लेमन। तो लेमन क्या करता है, लेमन जो है वो एक्ने को हील करता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पर ऑयलीनेस है तो मतलब उसको ख़त्म करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। तो लेमन तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसके अंदर जो है नेचुरली एसिडिक होता है मतलब ये, ठीक है। और बाकी हम इसमें दूध मिलाते जाएंगे, दूध की क्वांटिटी मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि दूध हमें इतना मिलाना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक क्रीम की तरह से हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना, लेकिन कंसिस्टेंसी इस तरह से करना है कि सॉफ्ट क्रीमी टेक्स्चर में आ जाए, जो थिक क्रीमी टेक्स्चर होती है। फ्रेश क्रीम आपने देखी बॉक्स में से हम निकालते हैं, डब्बे में से, टाट्रा पैक में से, टेट्रा पैक में से, तो जिस जो थिक कंसिस्टेंसी होती है उस तरह की कंसिस्टेंसी हमें क्रिएट करनी है इसकी। तो दूध आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे, जब हमारी बेसिक कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी तो बस हम दूध फिर नहीं मिलाएंगे और उसको फिर हम फेस पर अप्लाई कर लेंगे। मैं आपके सामने ही सारा प्रोसेस कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध मैं स्मेल्ट करती जा रही हूँ और मिलाती जा रही हूँ, जब तक मुझे मेरी डिज़ायर कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाएगी, जब तक इसमें दूध ऐड करती चली जाऊँगी। तो आपने भी इसी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा दूध मिलाती जा रही हूँ, अभी और मिलाऊँगी, इसके बाद आप देखें मेरी कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए वो अब आ गई है, या फेस पर आसानी के साथ अप्लाई हो सकता है, इसकी मदद से हम आसानी से मसाज कर सकते हैं। तो चलें आप देखते हैं मसाज किस तरह से करना है। तो देखा आपने इस क्रीम को बनाने का कितना आसान तरीके, और बस अब इसको हमने फेस पर मसाज करना है इसके हेल्प से। ठीक, बालों को ज़रा कर लेते हैं पीछे, और ये देखिए तक करें एटलीस्ट, ठीक है ना। और जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो वो 5-5 मिनट कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार करें लाजमी ये फेशियल, और 5-5 मिनट तक एक स्टेप को 5 मिनट्स दें, ठीक है।
जैसे कि अगर क्लिनजिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट करें, मसाज क्रीम यूज़ करें 5 मिनट तक करें, हल्के हाथ, बिल्कुल हल्के हाथों से, रब नहीं करना है स्किन को, बिल्कुल हल्के हाथों से जेंटली। ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगा, कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है असल में, ठीक है। पिगमेंट कहीं भी हो आपके, उससे ये डार्क सर्कल्स होते हैं, ये भी पिगमेंटेशन ही होती है। दो मिनट हो गए वॉश करके आते, तो ये आप देख सकते हैं मैंने मुंह धो लिया है, और सिर्फ 2 स्टेप्स के बाद, और 2 स्टेप्स हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 4 स्टेप्स का है, तो मतलब 6 मिनट में आपका ये इंस्टेंट ग्लोई फेशियल हो जाएगा। ये 2 स्टेप हमारे हो गए, हम आ जाते हैं हम 3rd स्टेप पे, जो कि हर फेशियल का होता है, वो होता है स्क्रब। तो यह है हमारा स्क्रब, इसको किस तरह से बनाना है पहले वो देख रहे थे। तो यहाँ हम स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे कॉफ़ी, कोई सी भी ब्राउन कॉफ़ी आप ले लें, मैंने यहाँ पे नेस्कैफे के लिए है। कॉफ़ी क्या करती है, कॉफ़ी जो है आपके जो रेडनेस है अगर स्किन पर, उसको काम करती है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट होती है। अगर खुदा ना खास्ता स्किन कैंसर है तो उसमें विटामिन B3 होता है, बेस्ट होता है वो, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एक्ने ट्रीटमेंट करता है, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है, और सन बर्न के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आपकी स्किन को प्रिपेयर करती है। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी मिलाई, फिर मैंने लेमन इसमें ऐड किया। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हम स्क्रब बना रहे हैं यहाँ पे। अब मिक्स करने के बाद अभी भी जो हमारी कॉफ़ी है वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी है, काफ़ी थिक है, तो अब हम इसको थोड़ा पतला करने के, थोड़ा पतला तो नहीं करेंगे, मतलब मुलायम सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें कोकोनट ऑयल मिलाएंगे। कोकोनट ऑयल मिलाने से क्या होगा कि जो इसके ग्रैनुल्स हैं कॉफ़ी के वो मेल्ट हो जाएंगे, तो उससे जो है आपके फेस पर ये बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, जो इसके ग्रैनुल्स हैं वो हार्श नहीं रहेंगे आपके स्किन पर। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं मिलाते हो और डायरेक्टली तीनों चीज़ों से स्क्रबिंग करते हो सकता है खुदा ना खासा स्किन पर रेडनेस हो जाए, तो इसलिए कोकोनट ऑयल आप इसमें मिला लो ताकि इसके ग्रैनुल्स हैं वो मेल्ट हो जाए। कोकोनट के फ़ायदे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मतलब डबल फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप फेशियल नहीं चाह रहे हो पूरा, अगर खाली से भी स्क्रब को भी यूज़ करते हो हफ्ते में एक बार, तो औसम रिजल्ट मिलेंगे इसके। तो देखा आपने स्क्रब को हमने किस तरह से बनाया है, और अब हम इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको हाथ पे ले लेंगे फिंगर्स में, ठीक है। ये हम इस तरह से फिंगर में ले लेते हैं, और बिल्कुल जेंटली, वाओ कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं टाइम नोट कर रही हूँ, अभी टाइम नोट कर लो, कोई मसला नहीं है। लिप्स बिल्कुल भी नहीं भूलना, हाथों से बिल्कुल जेंटली जेंटली आपने स्क्रबिंग करनी है। जिस तरह का आपको पिगमेंटेशन, उस तरफ थोड़ा सा हल्का मसाज ज़्यादा कर लो, हल्के हाथों से ज़्यादा उस तरफ आप एप्लीकेशन करो मसाजिंग की, इस तरह से जो स्टेप्स होते हैं हमारे मसाज के वो उधर ज़्यादा करो। ये देख सकते हैं आप, मुँह में चली गई कड़वी कड़वी, मैं फिर कह रही हूँ आपको जिनको पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा वो 5 मिनट्स देंगे हर स्टेप का, लेकिन जिनको इतनी पिगमेंटेशन नहीं है, जो सिर्फ ग्लो के लिए ब्राइटनिंग के लिए चाहते हैं, डल स्किन है उससे परेशान हो गए, तो वो जो है हफ्ते में एक बार या 2 बार कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए हर स्टेप को फॉलो करना है। अगर ये ड्राई हो गया है तो आप इसको पानी डाल लो और फिर स्टार्ट हो जाओ। यहाँ मत जाना बह के बाबा,
आप लोगों को पता है मैं रेडीमेड चीज़ों पर ज़्यादा मेरा फोकस होता है, लेकिन अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ घर की चीज़ों में से, तो आप ये समझ सकते हो कि वो बाकी ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद जो हूँ बड़ी इस मामले में, वो हूँ कि यार घर की चीज़ें बहुत देर में रिजल्ट देती हैं, बहुत देर में करती हैं, और मैं जो हूँ प्रेफर करती हूँ कि रेडीमेड प्रोडक्ट यूज़ किए जाए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, तो उसका मकसद ये है कि वाकई ही वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फेशियल है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इंस्टेंट इससे आपको ब्राइटनिंग मिलेगी, ग्लोइंग मिलेगी, ठीक। और ये मेरी आँख में चला गया है, और 2 मिनट्स भी हो गए पहले मैं, तो आप देख सकते हो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। यहाँ हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं किसी चीज़ का आपको बता रही हूँ कि ये होम रेमेडी आप यूज़ करो, तो उसके 110% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसी तरह ये जो है आप अगर इसको करते हो, तो उसके रिजल्ट परमानेंट हो जाएंगे। इंस्टेंट तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा परमानेंट भी हो जाएंगे। अब हमारा रह गया लास्ट स्टेप, जो कि स्क्रबिंग के बाद लाजमी करना होता है। आप फेशियल ना करो पूरा, खाली स्क्रबिंग करते हो, एक्सफोलिएटिंग करते हो फेस की, तो आपने ये लाजमी करना होता है। स्टीम लेते हो तब भी, क्या है वो है फेस पैक। इस फेस पैक को किस तरह से बनाना है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाती है लास्ट स्टेप बनाने की, जो कि है फेस पैक। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, और उसमें हम ऐड कर देंगे लेमन ग्राम। होता है बेसन क्या करता है हमारे स्किन के लिए, एक्नी को ट्रीट करता है। उसके अलावा अगर सन बर्न आपको हो गया है, तो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हील करता है। आपकी स्किन अगर डैमेज है, उसको हील करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त होता है ग्लो के लिए, और ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पर सीबम आता है, उसको कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी मिलाई है, हनी मिलाया है, और अब मैं इसको दूध के साथ पेस्ट बना लूँगी। सारी चीज़ें वही हैं क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत हैं। मेन इन्ग्रीडियंट हमारा जो है वो रहा है हल्दी, और ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ आपस में मिलकर जो है जो भी रिज़ल्ट होता है उसको बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ये वाला फेशियल, के इसके फ़ायदे बहुत हैं। सीरियसली इस एक बार अगर आपने फेशियल कर लिया ना घर में, 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, रिज़ल्ट बहुत औसम है इसके। दूध मिलाते जाएंगे, पेस्ट बनाते जाएंगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है कि ईजिली एप्लीकेशन हो जाए फेस पर। किसी भी फेस पैक की जो कंसिस्टेंसी होती है, उस तरह से हमें इसको रखना है। और इसको अच्छे से देखिए, अब ये कितना क्रीमी हो गया है बहुत ज़्यादा, और इजीली जो है ये फेस पर इसकी एप्लीकेशन होगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इवॉन कैप्सूल, जो विटामिन ई के होते हैं, वो 1 कैप्सूल ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, और अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए। बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को सूट करता है, और ग्लो, इंस्टेंट ग्लो ये आपके फेस पे लेकर आता है। अगर आप इसका डेली यूज़ करते हो, सिर्फ 1 कैप्सूल रोज़ाना पोक करके अपने फेस पर आप लगाते हो, तो ग्लो देखने वाला होगा 1 महीने के अंदर ही, इतनी बेहतरीन आपकी स्किन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेटर ले रही हूँ, उससे सारा जो है समेट रही हूँ, और अब हम इसकी एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा इसको किस तरह से बनाना है। इस पैक को अब हम लगा लेंगे फेस पर, ठीक, और इसको हमें छोड़ना है 15 मिनट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसको थोड़ा सा आप टाइम दे दो। और फेस पैक को थोड़ा सा आप टाइम दे दो, चाहो तो आप इसको भी 2 मिनट में साफ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे इससे आपके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से इसके फ़ायदे आपको पहुँचें, बहुत अच्छे से मैंने इसको लगा लिया है। मैं ये कह रही थी कि अगर आप इसको 2 मिनट लगाना चाहते हो, तो 2 मिनट लगाने के बाद भी आप इसको वॉश आउट कर सकते हो। हमारा मेन मकसद होगा इस फेस पैक को स्क्रब के बाद लगाने का, कि हमारे जो पोर्स ओपन हो गए हैं वो मिनिमाइज़ हो जाए, जो हमारी जो स्किन है वो सूद हो जाए। और अगर आप इस फेस पैक से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो उसको आप एटलीस्ट 15 मिनट तक रखो अपने फेस पर, और फिर आप फेस वॉश कर लो, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस। और फेस पैक का तो होता है ना, आपने लगा लिया, लगाने के बाद आपने बाकी काम निपटाते रहो, ये अपना सूखता रहेगा। इसका कोई वो नहीं कि आपको एक जगह बैठना है, बॉन्ड होना है। आपने फेस पर लगाया, अपना जो भी बाकी काम है आपने निपटा सकते हो, कहीं एक जगह बॉन्ड नहीं हो गए, तो उसको आप फेस पर लगे रहते हो 15 मिनट तक, और उसके बाद जो अपने बाकी सारे आप काम निपटाओ। तो मैं इसको आफ्टर 15 मिनट्स वॉश करूँगी, देन मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ।
फेस आप देख सकते हैं मेरा, ठीक नेचुरल लाइट है। मैं भी आपको आर्टिफिशियल लाइट जब पड़ती है फेस पे तब भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते ठीक है। मैंने फेस को वॉश कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ रिज़ल्ट, देखिए आप देख रहे हैं, देखिए रिज़ल्ट कितना ऑसम रिज़ल्ट आया है। तो रिज़ल्ट देखा आपने, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है फेस। तो सोच क्या रहे हो, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े, जल्दी से जाओ जाके फेशियल करो यार, और कमेंट में आगे बताओ कि कैसा रिज़ल्ट मिला। देख सकते हो यार बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और मज़े की बात हर चीज़ घर में अवेलेबल है, जब दिल चाहे कहीं जाना है, स्किन डल हो रही है, ख़ुद को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मज़े से बनाओ अपने चार स्टेप्स, फटाफट से फेशियल करो, 6 से 7 मिनट में फेशियल हो जाएगा और स्किन आपकी आप देख सकते हो। अब मैं रूम की लाइट में आ गई हूँ, ये देख सकते हो अब यहाँ पे लाइटिंग ज़रा अच्छी है मेरे रूम में, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं अपने रूम में ही बनाती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया मेरा फेस। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो इंस्टेंट ग्लोइंग ब्राइटनिंग फेशियल की, जो कि 6 मिनट में आपका हो जाएगा। और अगर तो बस वीडियो पसंद आए तो पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I was lost.